नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों से वापस मिलके बहुत खुशी हो रही है। और आइए हम जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या खास है। तो आज का ये वीडियो आने वाले नए महीने के बारे में होगा, जनवरी 2022 के बारे में। आइए जानते हैं एक एक करके कि जनवरी 2022 का ये महीना हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ राशियों की चर्चा के क्रम में सिंह राशि की। सिंह राशि वाले और सिंह लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए आने वाला महीना, नए साल का नया महीना जनवरी 2022 कैसा रहने वाला है। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि नौकरी में आप बहुत अच्छी सफलता पाते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरक्की, आपकी वेतन वृद्धि, आपका प्रमोशन, मुझे सब कुछ दिख रहा है। इस तरह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में। आपके सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। आप अपने वरिष्ठों की निगाह में रहेंगे और कनिष्ठों से वाह वाही समेटते हुए दिख रहे हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग को बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ भी आपको तरक्की मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। तो वहाँ भी आप बहुत तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। इस माह आप अपने विरोधियों को, आपके जो राइवल्स हैं, उन पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने विरोधियों के प्रति, हालांकि थोड़ी सी सावधानी आप ज़रूर बरतिएगा, अपने दुश्मन को और अग्नि को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कब समय पाते वो विकराल रूप धारण कर ले, तो इस चीज़ को एक कहावत में कहा जाता है, तो वही मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि आप हालांकि अपने बिजनेस राइवल पे एक निगाह ज़रूर बना के रखिएगा, पर इस महीने आप उनको क्रश करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने कंपटीशन को क्रश करते हुए दिख रहे हैं और शुभ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप डोमिनेट करते हुए दूसरों पर दिख रहे हैं। देखिए, अब बात करूं अगर सिंह राशि वाले वैसे जातक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो विद्यार्थी जीवन को जी रहे हैं, उनके लिए तो इस महीने की शुरुआत बेहद अनुकूल रहने वाली है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा को आप देना चाहते हैं तो इस महीने दिया हुआ हर प्रतियोगी परीक्षा आपको एक बहुत अच्छे अंक ला कर देगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे इच्छार्थी जो हैं, ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, वहाँ पर उन्हें मैं थोड़ी सी समस्या से दो चार थोड़ी सी समस्या का सामना करते हुए देख रही हूँ। ऐसे में उन्हें केवल और केवल शिक्षा के प्रति केंद्रित रहना होगा, अपने फोकस को मेंटेन रखना होगा। और इसके अलावा वैसे छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ा और इंतज़ार करने की मैं सलाह दूँगी और अगर मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो पारिवारिक जीवन बेहद शांतिपूर्ण दिख रहा है, आनंददायक दिख रहा है, बहुत अनुकूल दिख रहा है। हालांकि आपके घर परिवार में एकजुटता देख रही हूं, बहुत अफेक्शनेट रहेंगे और बहुत सपोर्टिव रहेंगे। साथ ही घर के सदस्यों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो एक प्रेम, एक सद्भावना पनप रही है, वो एक बहुत ही वेलकम चेंज है। और कहते हैं कि साल के शुरुआत में जो होता है वो साल के साथ आगे ही बढ़ता जाता है। तो इस तरह आप पूरे साल अपने पारिवारिक जीवन को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और आपके लव लाइफ की बात करूं, सिंह राशि वाले ऐसे जातक जो प्रेम जीवन में हैं, तो उनके लिए ये समय भी सामान्य से बेहतर बन रहा है। क्योंकि जहाँ प्रेमी जातक अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में सफल दिख रहे हैं, वहीं शादीशुदा जातकों को भी मैं देख रही हूँ कि अपने जीवन साथी से अपार स्नेह और अपार प्रेम को पाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कोई भी जब दो बर्तन साथ रहते हैं तो थोड़े तो खनकते ही हैं। इसी तरह बीच बीच में मैं महीने में एक दो दिन ऐसा देख रही हूँ जब आपके पार्टनर के बीच में, आपके प्रेमी के बीच में, आपके जीवन साथी के बीच में थोड़ी सी खटपट हो रही है और थोड़ी सी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। पर ये एक बहुत ही छोटी मोटी घटना है, इतनी छोटी कि आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन साथी के सेहत में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और इससे आपका मन उद्विग्न हो सकता है, थोड़ा मन परेशान हो सकता है।
यहाँ पे अगर मैं आपके आर्थिक पक्ष की बात करूँ, आपके फाइनेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे महीने की शुरुआत हालांकि थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, लेकिन महीने के जैसे जैसे महीना प्रोग्रेस करता जाएगा आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती चली जाएगी। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि और मानसिक रूप से आप थोड़ी सी आर्थिक तंगी को फील कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा लग सकता है कि मेरे पास कुछ और पैसे होते तो सारी सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल रहती। लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह में आप देखेंगे जब शुक्र और शुक्र की युति, जब आप देखेंगे कि जब सूर्य और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में होगी तो आपकी आमदनी अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, आप धन संचय करते हुए दिख रहे हैं, ग्रहों की कृपा आप पर बरस रही है। और अगर मैं सिंह राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी मैं गिरावट देख रही हूं, थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम हो सकता है और स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। खास तौर पे वैसे सिंह राशि वाले जातक जो पेट की समस्या से लंबे समय से परेशान थे, वो हो सकता है वो समस्या फिर से सरफेस कर जाए। आप आँखों का भी ध्यान रखिएगा, सर दर्द की थोड़ी समस्या मैं देख रही हूँ और हो सकता है कि आपको अपने सेहत को लेकर डॉक्टर से मिलना पड़ जाए, हॉस्पिटल विजिट करना पड़ जाए। ऐसे में आपको मैं सलाह दूंगी कि आप खुले हवा में थोड़ी देर जरूर सैर कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और मसालेदार भोजन से परहेज कीजिए। चलती हूँ एक नई वीडियो में, बहुत जल्दी आप सबों से भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।